जय हिंद दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ए टू बी एच फैक्ट्री में। हम आपको आज कुछ ऐसे फैक्टों से रूबरू करवाएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुदरत की बनाई ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमय और रोचक भी है। आपने इस दुनिया से जुड़े कई रोचक तथ्य के बारे में सुना होगा जो लोगों को हैरान कर देते हैं। आज हम आपको कई ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप उस पर यकीन करने से पहले कई बार सोचेंगे। भारत में दुनिया का सबसे विशालकाय बरगद पेड़ मौजूद है जो कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में है। इसकी भव्यता देख लोग हैरान रह जाते हैं। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और आपको बता दें कि इस पेड़ को द ग्रेट बनियान ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह विशालकाय बरगद का पेड़ 250 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। इस पेड़ को 1787 में स्थापित किया गया था। इस पेड़ की जड़ें शाखाएं इतनी ज़्यादा हैं कि पूरा जंगल बस गया है। आप इसे देखकर अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि यह एक सिंगल पेड़ है या बहुत ही बड़ा जंगल। ये 14,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है जो करीब 24 मीटर ऊंचा है। इसे दुनिया का वॉकिंग ट्री भी कहते हैं। दुनिया भर में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो रोचकों से भरी पड़ी हैं। इनमें से कुछ जगहों के रहस्य को आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए। ऐसी ही एक रहस्य अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से बहते एक झरने से खून की तरह लाल पानी बहता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किए लेकिन कोई निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंचे। सदियों से इस झरने का पानी का रंग लाल है। जिस एक जगह पर झरना है वहां का तापमान हमेशा माइनस में रहता है लेकिन झरना फिर भी बहता रहता है। पहली बार साल 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट ग्रिफिन टेलर ने यहां आने की हिम्मत की और उन्होंने देखा कि यहां तो खूनी वाटरफॉल गिर रहा है, जिसे पहले लगा कि यह लाल रंग का माइक्रोस्कोपिक लाल शैवाल की वजह से है। मगर साल 2003 में टेलर की शैवाल वाली थ्योरी गलत साबित कर दिया गया। नई रिसर्च से सामने आया कि इस पानी में आयरन ऑक्साइड की भरपूर मात्रा है जिसकी वजह से यह पानी का रंग लाल है। कुछ लोगों ने इसे सच मान लिया और कुछ शोधकर्ताओं ने इस शोध पर विश्वास नहीं किया, तो उन्होंने दो कदम आगे जाकर नया शोध किया। कोरोराडो कॉलेज और अलास्का यूनिवर्सिटी ने इस शोध में पाया कि दरअसल ये एक बेहद विशालकाय तालाब से गिर रहा है। क्या आपने सुना है कि समुद्र के अंदर कोई गुफा हो जिसमें असंख्य रहस्य हो? ऐसी एक जगह मध्य अमेरिकी देश ब्राज़ील में है जिसे ग्रेट ब्लू होल कहा जाता है। इसका व्यास 318 मीटर और गहराई 125 मीटर है। इस समुद्री गुफा को स्कूबा डाइविंग के लिए दुनिया की सर्वोत्तम जगहों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि ग्रेट ब्लू होल का निर्माण करीब 1.5 लाख साल पहले से लेकर 15 साल पहले तक कुल 4 चरणों में हुआ था। उस समय यहाँ समुद्र की स्तर काफ़ी कम था जिस वजह से यह गुफा समुद्र के ऊपर दिखाई देती थी। बाद में यह समुद्र का स्तर बढ़ा तो यह गुफा पूरी तरह से पानी में डूब गई। यह गुफा चूने से बनी है और इसके भीतर कई तरह की मछलियाँ हैं और अन्य जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ग्रेट ब्लू होल के अंदर कई गुफाएँ हैं। ग्रेट ब्लू होल की पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करने का श्रेय फ्रांस के वैज्ञानिक जेस कैस्टू को दिया जाता है। उन्होंने इसके रहस्यों का खुलासा करते हुए इस जगह को दुनिया के शीर्ष 5 स्कूबा डाइविंग जगहों में से एक घोषित किया है। साल 1971 में वो अपना जहाज लेकर इस समुद्री गुफा की गहराई नापने आए थे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों।